गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग प्रकाश पांडे, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग अनूप, रोहित अटल उसके बाद हैं। ओके चलो, उसके बाद है आलोक, आरती, कृष्ण कुमार, ललिता, रोहित अटल, रवि जी कह रहे, राधे राधे, रितिका, नवल, विमलेश, अजय कुमार, राहुल, राष्ट्रजीत मंडल, सतीश कुमार। चलिए भाई, सबका गुड इवनिंग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से आप इस क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमें चैप्टर की शुरुआत करनी है ना। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करने वाले हैं, आपको मालूम होगा। और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? बायोलॉजी का सबसे ज्यादा, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी, जूलॉजी में अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी में अगर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर का वेटेज रहता है, कोई भी एग्जाम दो आप, हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर रहता है वो होता है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपके एक भी डाउट नहीं बचेंगे। तो आज से हमारा एक नया चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। बहुत ध्यान से पढ़ना, हर एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा बच्चों। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले रूबी कुमारी आपका नाम ले लिया, ठीक है। सवरण किरण, ओके, आपका भी नाम ले लिया। अच्छा, जो लोग हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं, टीचर्स डे कल है, अभी थोड़ा रुक जाओ, टीचर्स डे कल है। आज तो 4 तारीख है, कल है 5 सितंबर, तो अभी टीचर्स डे कहां से आ गया? कल विश करना आप मुझे। सुनिए अब ध्यान से, अब बिल्कुल बातें नहीं करते, एकदम सीरियस मोड में पढ़ाई करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान से सुनो पहले, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। देखो, सर्कुलेटरी का मतलब होता है सर्कुलेशन, जो हमारे बॉडी में किसी ना किसी चीज का क्या करे, सर्कुलेशन करे, सर्कुलेशन करे। और सर्कुलेशन को हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण। आप ध्यान से सुनिए, सर्कुलेशन का मतलब क्या है। कोई ऐसी चीज होगी हमारे बॉडी में जो हमारे शरीर में चारों तरफ घूम रही है। कोई ऐसी चीज होगी हमारे बॉडी में जो कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रहा है किसी चीज को, या खुद सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी चीज का यहां से स्टार्ट होके यहां जाना, फिर वापस आना, फिर वापस जाना, फिर वापस आना, फिर वापस जाना। तो कोई ऐसी चीज है हमारे बॉडी में जो सारा दिन क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, चारों ओर घूम रही है। परी का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब होता है सर्कुलेट होने वाला, और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो क्या करवाता हो, जो सर्कुलेशन करवाता हो ह्यूमन बॉडी में। हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट कर रहा है या खुद भी सर्कुलेट हो रहा है। उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को एक साथ मिलाकर सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। मैं इसलिए बता रही हूं इसकी डेफिनेशन, एक बार एग्जाम में पूछा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है, वहां पर बच्चों को कुछ मालूम नहीं चला। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट कर रहा है, चारों तरफ घुमाने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि मैम ऐसे ऑर्गन्स के ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करते हैं या सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं कौन कौन से हैं। एक नंबर पे लिखेंगे ब्लड, हमारा ब्लड बोले तो ह्यूमन ब्लड। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, हम ह्यूमन की बात करने वाले हैं। ब्लड का मतलब होता है खून लिखो हिंदी में, या इसे रक्त लिखो, या इसे रुधिर लिखो। तो खून, अब आप बोलोगे मैम खून सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा क्यों है? बेटा आप एक बात दिन रात सुनते हो कि हमारी नसों में खून दौड़ रहा है, आपको यहां चोट लगे, जहां भी चोट लगेगी वहां से खून निकलेगा, जहां जहां आपको चोट लगेगी वहां वहां खून निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि खून सारा दिन आपके बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, सारा दिन आपकी नसों में खून दौड़ रहा है।
अब खून दौड़ रहा है तो सुनिए क्या क्या चीजें खून के अंदर होती हैं। खून के अंदर मिली हुई होती है ऑक्सीजन, खून के अंदर ही होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, खून के अंदर ही होता है ग्लूकोज जिससे आपको एनर्जी मिलती है, खून के अंदर ही होते हैं बहुत सारे हार्मोन। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको कौन कौन से हार्मोन है जो खून के अंदर घुले हुए होते हैं। खून के अंदर ही होती है बहुत सारी विटामिन, खून के अंदर ही घुला हुआ होता है पानी। इसका मतलब मैम अगर खून सर्कुलेट हो रहा है तो अपने साथ क्या क्या चीज सर्कुलेट कर रहा है, पानी को कर रहा है, ऑक्सीजन को कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा है, ग्लूकोज को कर रहा है, विटामिन को कर रहा है। तो खून आपकी नसों में दौड़ रहा है, ठीक है, और खून जब दौड़ रहा है तो देखिए खून में कितनी सारी चीजें हैं। इसीलिए बोलते हैं हम खून के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर मैं आपका सारा का सारा खून निकाल लूं तो आप मर जाओगे। अगर आपको चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आपका खून निकल गया तो आप मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? बोर्ड पे आंसर है, क्योंकि खून में ऑक्सीजन, खून में कार्बन डाइऑक्साइड, खून में ग्लूकोज होता है, खून में विटामिन होते हैं, खून में आपके हार्मोन होते हैं, खून में पानी होता है। खून निकला, सारी चीजें निकल गई, तो खून के बिना कैसे सर्वाइव कर सकते हो? और खून सारा दिन दौड़ता रहता है, 24x7 24 घंटे सातों दिन आपका खून दौड़ रहा है आपकी नसों में। जिस दिन खून ने दौड़ना बंद कर दिया आप भी दौड़ना बंद कर दोगे, बोले तो आपकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए ब्लड इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ब्लड को किस सिस्टम में पढ़ा जाता है, ब्लड कौन से तंत्र का हिस्सा माना जाता है, क्या करोगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक? ठीक है मैम, नहीं दिक्कत। तो पहला पार्ट, इसका मतलब इस सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होगा मैम? कंप्लीट तरीके से ब्लड पढ़ना होगा। ब्लड क्या होता है, कहां बनता है, कितना होता है, ब्लड में क्या क्या चीज है, ब्लड का क्या काम है, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, फिर ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, फिर कौन किसको खून डोनेट कर सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, कुछ नए ब्लड ग्रुप है इंडिया में, वो सब जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद आता है दूसरा। अब बात करते हैं मैम ब्लड, ब्लड किसके अंदर दौड़ता है? ऐसा तो है नहीं सीधा ही खून दौड़ रहा है, नहीं। ब्लड हमारे बॉडी में ऐसी पतली पतली पाइप होती हैं, ऐसे पतली पतली नलियां होती हैं, और इन नलियों को कहा जाता है या तो डक्ट बोलो, आम भाषा में आप डक्ट नली बोल देते हो, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स। साइंस की लैंग्वेज में इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स, और हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। वो वाहिकाएं, वो नलियां जिनके थ्रू ब्लड आपके बॉडी में चारों तरफ घूम रहा है। जैसे एक पानी, पानी किसके, आपको अगर यहां से वहां तक पानी पहुंचाना है तो आप क्या लगाते हो? पाइप लगाते हो। इधर एक टूंटी में पाइप लगाते हो, उधर आप गाड़ी वॉश करते हो, तो पानी किसके थ्रू जा रहा है? पाइप के थ्रू जा रहा है। ऐसे ही हमारे बॉडी में, आप बताओगे बेटा हमारे बॉडी में पतली पतली पाइप होती है, अरे जिन्हें आप आम भाषाओं में नसें बोलते हो, कि फलाना इंसान की नस फट गई, उसका खून निकल गया, उसकी डेथ हो गई, है ना। तो याद रखिएगा कि जिनके अंदर खून ऐसे दौड़ रहा है, खून जिनके अंदर दौड़ रहा है उन पतली पतली नलियों को ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो ये बताओ क्या ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होगा या नहीं होगा? यस ऑफ कोर्स, क्यों होगा? क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं होती तो खून नहीं दौड़ रहा होता, और खून नहीं दौड़ रहा होता तो इन सारी चीजों का सर्कुलेशन होता ही नहीं हमारे बॉडी में। इसका मतलब मैम ब्लड वेसल्स इज आल्सो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो रक्त वाहिकाएं हैं वो भी परिसंचरण तंत्र का हिस्सा माना जाती है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्या ब्लड वेसल्स, क्या रक्त वाहिकाएं हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पड़ी जाती हैं, उसका हिस्सा मानी जाती हैं, आप बताओगे यस बिल्कुल मानी जाती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, किसमें कैसा खून रहता है, किसका क्या रंग होता है, किसमें बीपी हाई, किसमें बीपी लो, वो सब पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है बच्चों जिसमें हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करते हैं ये ऑर्गन। कौन कौन से? पहला लिख दोगे ब्लड, एक नंबर पे आपका खून, खून जिन नसों के अंदर दौड़ता है, दो नंबर दे दीजिएगा ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। अब आता है इन सबके ऊपर बैठा हुआ पापा।
पापा का मतलब है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। और ब्लड को पंप कौन करता है? तो भाई साहब आपका हार्ट। कौन? आपका हार्ट, आपका हृदय। जैसे हमारे घर में नीचे एक टैंक है, वो पानी का भरा हुआ है, और मेरे घर में 4 फ्लोर हैं, हर एक फ्लोर पे अलग अलग टंकी लगी हुई है, मुझे हर एक फ्लोर तक पानी पहुंचाना है। तो मैं क्या करूंगी, नीचे जो टैंक लगा है उसके अंदर एक मशीन डाल दूंगी जो पानी को पंप करके अलग अलग फ्लोर पे फेंकेगी। ऐसे ही भगवान ने आपको एक मशीन दी है, वो मशीन किसको पंप करती है? ब्लड को पंप करती है। और उस मशीन का नाम क्या है? उस मशीन का नाम है हार्ट। उसका नाम क्या है? हृदय, आपका दिल। दिल का एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, इसके अलावा दिल का कोई काम नहीं होता। तो ये 3 ऑर्गन जब आप पढ़ोगे, अब आप बोलोगे मैम ब्लड ऑर्गन थोड़ी है, साइंस इसको ब्लड को ऑर्गन में ही काउंट करती है। कैसा ऑर्गन? सर्कुलेटरी ऑर्गन। जब ये तीनों कंप्लीट पढ़ोगे, हार्ट क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट साउंड क्या होती है, हार्ट अटैक कैसे आता है, कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है, ये सारे 4 चैम्बर है, किसमें प्योर होता है, किसमें इंप्योर होता है, हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये सब कुछ पढ़ लोगे तब आप ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ लोगे। तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से 3 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, नीचे आपको ऑप्शन दे दिया कि परिसंचरण तंत्र है, वो कौन कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ है। सिस्टम का मतलब होता है हमेशा ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का समूह है जो क्या करवाता हो, सर्कुलेशन करवाता हो। हमारे बॉडी में कितने हैं? 3। हम हमारे बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? पहला क्या लिख दोगे? ब्लड, खून, रक्त। दूसरा, खून जिन नलियों के अंदर बहता रहता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं लिख दो, कोई बात नहीं है। फिर खून को जो पंप करता है, अगर पंप नहीं करेगा ना खून को, तो खून कहीं नहीं पहुंच पाएगा। खून के अंदर पंप करने का, सारा दिन आप देखे कभी YouTube पर वीडियो देखोगे, आपका हार्ट ऐसे बीट करता रहता है, ऐसे ऐसे आपका हार्ट पंप करता रहता है खून को, ठीक है। तो तीसरा क्या लिखोगे? ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। जब ये 3 ऑर्गन आप ढंग से पढ़ लोगे और इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे, तो भाई साहब आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी भाई बंधु को यहां तक की क्लास में किसी भी प्रकार की दिक्कत है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, बता दोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब जब आप इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, कुछ बातें बता रही हूं ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम ब्लड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर पे ब्लड पढ़ेंगे, फिर 2 नंबर पे ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, फिर 3 नंबर पे ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या हो गया? किसका सर्कुलेशन? ब्लड का सर्कुलेशन। किसके अंदर सर्कुलेट हो रहा है? इनके अंदर। कौन कर रहा है? ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मेरी जुबान पर यकीन करना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ब्लड सर्कुलेशन बोले तो रक्त का परिसंचरण कैसे होता है हमारे बॉडी में, कैसे खून हार्ट में आता है, फिर हार्ट से फेफड़े के पास जाता है, फिर फेफड़े से वापस आता है। तो ये सारा जो ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है हमारे बॉडी में, इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, उनका नाम था विलियम हार्वे। उनका नाम क्या था? विलियम हार्वे जी नाम था, विलियम हार्वे। साइंटिस्ट का नाम हमेशा आप इंग्लिश में लिखें, ठीक है। तो विलियम हार्वे जी ने सबसे पहले बताया कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, कैसे ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग्स के पास जाता है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी आपको, फिर वापस हार्ट में आता है, देन हार्ट उसको पंप करता है, सारे ऑर्गन्स के बीच में खून जाता है। देखो, खून का हर एक ऑर्गन तक पहुंचना जरूरी है। जिस दिन खून का ब्रेन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका खून ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया, काम हो गया आपका। जिस दिन आपके फेफड़ों तक खून नहीं पहुंच पाया, काम हो गया आपका। जिस दिन खून आपके किडनी तक नहीं पहुंच पाया, आपका काम हो गया।
मतलब खून तो बहुत जरूरी है भाई मैम, खून के बिना तो कुछ है ही नहीं। यस, खून के बिना कुछ नहीं है। अगर मैं आपके बॉडी में से पांच, ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर खून होता है, मैंने 4 लीटर भी निकाल लिया ना आपका, तो भी आप किसी काम के नहीं बचोगे। तो खून का यहां तक पहुंचना, खून का लंग्स के पास पहुंचना, खून का हार्ट के पास पहुंचना, सबके पास पहुंचना जरूरी है। खून है तो हम हैं, इसलिए तो कहीं पर भी चोट लगती है खून निकलता है आपका। क्यों निकलता है? क्योंकि ब्लड इज एवरीवेयर, हर जगह खून है आपके बॉडी में। अब मैं क्या बता रही हूं कि ब्लड सर्कुलेशन किसने बताया सबसे पहले? विलियम हार्वे ने। जब आप इस ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट, तो आप साइंस की कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं एंजियोलॉजी। मालूम है आपको ये टर्म? टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, लिख लो, टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना। डिटेल में जब आप परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हो तो आप कौन सी ब्रांच पढ़ते हो? बच्चों आप पढ़ने जा रहे हो एंजियोलॉजी, नहीं हिमेटोलॉजी। नहीं सुमित लांबा बेटा, हिमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड, और कार्डियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हार्ट, लेकिन जब कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को एक साथ पढ़ते हो तो उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। कभी आपने सुना है मेरे पापा की एंजियोप्लास्टी होनी है? मैं बताऊंगी आपको एंजियोप्लास्टी क्या होती है, ठीक है? तो जब कभी भी आप कंप्लीट तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। बेटा परिसंचरण का मतलब होता है अभी एक चीज का यहां जाना फिर वापस आना, परिवहन का मतलब होता है किसी चीज को अपने साथ लेकर जाना, ठीक है? चलो तो अब बात आती है कि हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है कि कौन है एंजियोलॉजी के जनक। तो जिन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया उनको फादर की उपाधि दे दी। तो आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, क्या करके आओगे? विलियम हार्वे। ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे सारे एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल पता है क्योंकि मैं काम करती हूं इस पे, मेरा काम है ये कि किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं बाय गॉड ग्रेस, पता नहीं क्यों याद रहते हैं कि किस एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है मैम, गौरव क्या कह रहे हैं आप, क्या अनदेखा कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? बेटा आरती, ईयर नहीं पूछा जाता है साइंस में, ईयर एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है? तो आपके क्या क्या क्वेश्चन बने सर, बोर्ड से सुनो क्या क्या क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बना हुआ है? ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में पूरा पढ़ना, कंप्लीट पढ़ना, एंजियोलॉजी। एंड गौरव, हम लोगों का एमपी पुलिस का एग्जाम है, तो आप इतना लेट क्यों किसी बैच में ज्वाइन किए? आज जाके हो क्या? एमपी पुलिस का एग्जाम तो होने वाला है, हाँ? और नेक्स्ट, एंजियोलॉजी के फादर कौन है, जनक कौन है? विलियम हार्वे। इतने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट सुनो क्या, बेटा ईयर नहीं आता है, अगर फिर भी ईयर लिखना है तो 1628 में दिया था। 1628 में विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन दिया था, ठीक है? फिर भी अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने वाली हूं, ध्यान से सुन लो, ये कमेंट करने वाले सारे ना चुपचाप पढ़ लो बस, ठीक है? क्या हेल्प करूं बेटा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, कुछ नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगी, है ना? चलो अब बात आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप कितने होते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, वो दो टाइप का होता है बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रही हूं, प्लीज कमेंट मत करो, बाद में कर लेना, है ना? बेटा मेरा गौरव, मेरा ये इंस्टाग्राम है, इसके बाद मैसेज मत करना, क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा, ध्यान रखना, है ना? और मुझे क्लास डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, भले सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा हो जिंदगी में, लेकिन क्लास डिस्टर्ब करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काजल अंडरस्कोर सिहाग है, इस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका थोड़ा जो भी जितनी हेल्प होगी नोट्स वगैरह देकर गाइड कर दूंगी अच्छे से, लेकिन अभी नहीं, क्लास के बीच में नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम है, बाकी इतने हजारों बच्चों का एग्जाम नहीं है बेटा, ठीक है? चलो आइए, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, पहले पढ़ेंगे हम
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो मैंने सीएस लिखा है तो लिख लोगे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इनके एग्जाम्पल आते हैं, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, परिभाषा कोई नहीं पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है। लेकिन जब परिभाषा मालूम होगी तभी आपको समझ में आएगा कि क्या एग्जाम्पल है। दूसरा आता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद, बंद। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों इस धरती पर। ऐसे जीव जिनके अंदर खून है, गाय में भी खून है, भैंस में भी खून है, कॉकरोच में भी खून है, केंचुए में भी खून है, सब में खून है, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। पहले सुनिए क्या होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड पैक होके घूमता रहता है, खून पैक हो रखा है और पैक होके वो चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है। पैक का मतलब क्या है? पॉलिथीन में पैक नहीं, पैक का मतलब है ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून ऐसे नलिकाओं की सहायता से अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचता है, जिसमें जो ब्लड है, मैं लाल कलर के डॉट बना रही हूं, खून ऐसे पतली पतली नलियों में, नलियों की सहायता से अलग अलग अंगों तक पहुंचता है। खून को पैक कर दिया आपने। आपको कहीं मेरे इस हाथ में खून घूमता हुआ दिख रहा है? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये स्किन है और स्किन के नीचे पतली पतली पाइप है, आर्टरीज, वेन्स, वो हैं, नसें हैं मेरी, और उन नसों के अंदर खून जा रहा है, इसलिए मुझे खून नहीं दिखता है। मेरे हाथ में ये नस दिख रही होगी आपको, देखो ये दिख रही होगी आपको, ग्रीन कलर की सी कुछ दिख रही होंगी। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड पतली पतली पाइप में, इन पाइप को ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इन्हें रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, इनकी सहायता से खून चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, पैक हो गया, बंद हो गया। किसमें? आप देखिए ना, हाथ पांव, यहां नेक में, गर्दन में, आपको हर जगह आपको नलियां दिखती हैं। तो खून पैक हो गया है। जब ये नलियां कटेंगी तब इससे खून बाहर निकलेगा। जब आपको चोट लगती है ना बच्चों, तब क्या होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, ये कट जाती हैं, और इनके कटने से फिर खून बाहर आता है। तो खून पैक है। किसमें पैक है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स बोले तो रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड पैक होकर, किसमें पैक होकर? ब्लड वेसल्स में पैक होकर अलग अलग अंगों तक पहुंचता है, उसे कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जस्ट इसका अपोजिट, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून पैक होके नहीं जाता, खुला पड़ा है, डायरेक्टली ऐसे टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में खून ऐसे घूम रहा है, पैक नहीं है, ऐसे खून घूम रहा है, उसे कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें खून ब्लड वेसल्स की हेल्प से पहुंच रहा है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें खून सीधा ही घूम रहा है, ऐसे ऐसे जहां देखो वहां खून घूम रहा है, उसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम इसका एग्जाम्पल क्या है? घर में कॉकरोच है ना, जिसको आप तिलचट्टा बोलते हो, कॉकरोच को पकड़ना, उसे उल्टा गिरा देना, और जब उल्टा गिराओगे तो ध्यान से देखना, कॉकरोच में ऐसे ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे खून आता दिखेगा आपको, क्योंकि कॉकरोच का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉकरोच के अंदर डायरेक्टली क्या होता है, खून सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, अंगों के बीच में खून बहता रहता है, इसलिए कॉकरोच इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किस कॉकरोच किसका उदाहरण है आप बताओगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। और ये एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट लिखो इसका एग्जाम्पल बटरफ्लाई, तितली। तितलियों में भी सेम होता है बच्चों, तितलियों में भी सेम होता है। एक है ऑक्टोपस, कभी देखा है ऑक्टोपस? ऑक्टोपस हिंदी में ऑक्टोपस ही कहा जाता है। ऐसे ही जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट, कीट, इन सब में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आप क्या बताओगे बेटा? इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं,
इनके अंदर पाइप नहीं होती, सीधा ही खून घूमता रहता है ऑर्गन्स टिश्यूज के बीच में। और हमारे बॉडी में खून किस में घूमता रहता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो फीमेल मैमल्स होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी भेड़ सब किस में आते हैं? मैमल्स में। हम लोग भी किस में आते हैं? मैमल्स में। तो बच्चों, हमारा और जो मैमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया गाय के अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, क्या बताओगे? बंद परिसंचरण तंत्र। गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, जितने भी आप जानवर जानते हो, बंदर लंगूर, इन सब में कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम लोगों में भी कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन कॉकरोच हो गया, कीट हो गए, छोटे मोटे कीट मकोड़े हो गए, तितलियां हो गई, ऑक्टोपस हो गए, एक होते स्नेल जिसे घेंगा कहा जाता है, घेंगा या घोंगा क्या कहते हैं आप, उसके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डॉल्फिन यहां आएगी बेटा, डॉल्फिन वेल वेल मछली दोनों में यहां आएंगे, दोनों एग्जांपल यहां आएंगे। डॉल्फिन यहां आएगी बेटा, लिख दीजिए इसे एग्जांपल, अगर आपको इतना डाउट है तो यहां लिख दो। डॉल्फिन भी यहां आएगी और एक होती है वेल फिश, वो भी यहीं आएगी, क्योंकि इनमें भी होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? किसी भाई बंधु को डाउट नहीं है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन का बना हुआ होता है और कितने टाइप का होता है, उनके उदाहरण क्या है, सब लिखवा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला कौन सा पार्ट पढ़ना है। हमें हमारा पढ़ना है, हमें गाय भैंस घोड़ा बकरी किसी से मतलब नहीं है, हमें हमारा पढ़ना है। और हमारे का पहला पार्ट लिखोगे ह्यूमन ब्लड। मैं चाहती तो मैं ब्लड लिख सकती थी, लेकिन ब्लड तो सब में होता है, खून तो सब में होता है, गाय भैंस घोड़ा बकरी सब में खून है, हमें तो हमारा खून पढ़ना है। मतलब हमें पढ़ना है मानव का रक्त, मानव का खून, मानव का रुधिर पढ़ना है हमें, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और जब ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो अब हम खून खराबा करने जा रहे हैं। अब खून खराबे का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को मारने जा रही हूं। अगर आपने मेरी ब्लड की कम से कम 6 से 7 क्लास होंगी, सारी ध्यान से सुन ली, बढ़िया से नोट्स बना लिए, मैं कह रही हूं कभी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूं। अगर आपने प्रैक्टिस लगा ली बढ़िया से, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया, नोट्स बना के छोड़ दिए, कभी इस चैप्टर से आपको कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन बस पेशेंस। कुछ बच्चे देख रही हूं मैं कि कुछ भी कमेंट कर रहे हैं फालतू के, मैं बहुत देर से अवॉइड कर रही हूं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ उसी बच्चे का डाउट लेती हूं जो जेन्युइन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, अदरवाइज मैं ना डॉक्टर हूं ना गुप्त रोगी विशेषज्ञ हूं, तो मैं किसी के डाउट नहीं लेती हूं। ठीक है, चलो आइए। जब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में, सबसे पहले ह्यूमन ब्लड के बारे में स्टडी करना, वो ब्रांच जिसको पढ़ने जा रहे हैं हम, उसके बारे में पता तो होना चाहिए। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? पढ़ने जा रहे हो हिमेटोलॉजी, क्योंकि टू स्टडी अबाउट ह्यूमन ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। मानव के रक्त के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यही आ गया कि भैया हमारे ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ना हिमेटोलॉजी। एक बात बताऊं, हिम हो गया, हीमो हो गया, हिमेटिक हो गया, जब आप ये शब्द देखते हो ना तो इन सब का ही मीनिंग होता है खून, इन सब का ही मीनिंग खून होता है। पता है आपको, हिम देख लो, हीमो देख लो, हिमेटिक देख लो, तो हमेशा ब्लड वाला ऑप्शन करके करेक्ट आ जाना। ठीक है, दूसरा, जब मैं बात करती हूं ह्यूमन ब्लड तो बताओ किस सिस्टम में पढ़ते हैं? तो इट इज पार्ट ऑफ, अब आप आगे फिल कर दो, इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हां जी मैम, आपने डिटेल में पढ़ा है कि ह्यूमन ब्लड किस सिस्टम का पार्ट होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। बताओ किसी को कोई डाउट है इस यहां तक की क्लास में?
क्या डाउट है? सब तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूं कि मानव का रक्त किस तंत्र का हिस्सा माना जाता है? मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा माना जाता है। सब भाई बंधु आराम से पढ़ेंगे, एक कह रहा नोट करवा दो। अभी तुमने पहली बार ऑनलाइन क्लास ली है क्या? इससे पहले कभी ऑनलाइन क्लास नहीं ली क्या? नेक्स्ट सुनिएगा, हमारे ब्लड को कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां स्टार करूं नोट बनाकर पॉइंट लिखूं ना, समझ जाना हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा ब्लड जो होता है इसे कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। हमारा ब्लड को कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू, और हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक। बच्चों कनेक्टिव का मतलब क्या होता है पहले ये सुनो, आपस में कनेक्ट करने वाला, जो किसी ना किसी चीज को जोड़ रहा होगा। और टिश्यू का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो सेल्स का जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? उसे टिश्यू, उसे उत्तक कहा जाता है। इसका मतलब मैम टिश्यू कैसी स्ट्रक्चर है? टिश्यू वो है जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह है, उसे उत्तक कहा जाता है। इसका मतलब जब हमने ब्लड को क्या बोला है? कनेक्टिव टिश्यू बोला है, तो ब्लड में भी क्या होंगी? बहुत सारी सेल्स होंगी। यस बच्चों, हमारे ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। जैसे बताऊं, एक है आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका। एक होता है WBC सफेद रुधिर कोशिकाएं। तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, इनका नाम कभी ना कभी तो जीवन में सुना होगा। हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु। एक हो गया लाल रुधिर कोशिका, एक हो गया सफेद रुधिर कोशिका, एक हो गया रक्त बिंबाणु। ये क्या है? ये तीनों क्या है? सेल्स हैं। तो सेल्स का ग्रुप हो गया, कुछ मतलब आरबीसी होती हैं, कुछ WBC, कुछ का मतलब कुछ नहीं है, दो चार नहीं है, हजारों लाखों में। ये हजारों में होती हैं, लाखों में होती हैं, मिलियंस में होती हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये इतनी सारी सेल्स हैं, और सेल्स के ग्रुप को ही क्या कहते हैं? मैम ने ऊपर लिख रखा है बोर्ड पर कि सेल्स के ग्रुप को टिश्यू उत्तक कहा जाता है। इसका मतलब ब्लड इज ऑल्सो ए टिश्यू। रक्त भी क्या है? एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? तो ये जोड़ने वाला, कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कहा था हमारे हार्ट से कुछ खून ब्रेन के पास जाता है, तो ब्रेन को हार्ट से कौन जोड़ रहा है? खून जोड़ रहा है। कुछ हार्ट से खून जो होता है वो आपके किडनियों तक जाता है। अब ये बताओ हमारी किडनी को हार्ट से कौन जोड़ रहा है? खून जोड़ रहा है। कुछ खून है जो फेफड़ों के पास जाता है हार्ट से, तो बताओ हार्ट को फेफड़ों से किसने जोड़ा? खून ने जोड़ा। तो हमारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहां जुड़ा दूसरा उसके ऊपर जुड़ा है, नहीं। इसका मतलब यह है कि आपस में खून के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ब्लड ऑर्गन्स को जोड़ने वाला टिश्यू है। इसलिए अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव तो है, संयोजी उत्तक तो है, लेकिन ब्लड सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है ये बताओ? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड है। खून किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर खून सॉलिड स्टेट में होता ना, तो कभी आपको चोट लगती तो खून बाहर ही नहीं निकलता, खून कभी बाहर ही नहीं आता, मैं अंदर ही पड़ा रहूंगा। तो याद रखिएगा, हमारा ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। हो गई बात खत्म। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों? ब्लड को क्या कहा जाता है? ब्लड को कहा जाता है एक मीजोडर्मल ऑर्गन। ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। हिंदी में कहा जाता है रुधिर एक मीजोडर्म अंग है। अब ये कौन बच्चा जानता है मुझे बताओ कि मीजोडर्म का मीनिंग क्या होता है? कभी सुना है भाई बंधुओं? हां जी भाइयों और बहनों, कभी मीजोडर्म शब्द सुना है क्या किसी ने? मुझे नहीं लगता आप लोगों ने सुना होगा। अब मैं बताती हूं आपको क्या होता है मीजोडर्मल ऑर्गन। आप ऐसे ही तो इतने बड़े नहीं हुए ना, पहले आप छोटे हुए होंगे, है ना? नहीं सुना, चलो आज सुन लेते हैं। सुनो ध्यान से, जब आप मां के वोम्ब में थे,
जब आप माँ के गर्भाशय में थे, जब आपका निर्माण होना स्टार्ट हुआ, जब आप बनना स्टार्ट हुए, तो ऐसे ही नहीं बन गए इतने बड़े बड़े। पता है कैसे बने? एक कह रहा कोई बीमारी होती है, अबे अभी बीमारी नहीं होती, सुनो ध्यान से, बीमारी होती है, इतना ही पढ़ा तुम लोगों ने, है ना। कह रहे बीमारी होती है, जब आप माँ के गर्भाशय में थे, माँ के वोम्ब में थे, यूट्रस में थे, तो जब आपका निर्माण होना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे ही हाथ कान नाक नहीं बन गया तुम्हारे इतने सुंदर सुंदर। पहले तीन लेयर बनती है ऐसे, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ये तीन लेयर बनती हैं और इन लेयर को कहा जाता है जर्म लेयर। पता है आपको, जब आप बने ना, तो उससे पहले तीन परत बनी थी, तीन जर्म लेयर्स बनी थी। जो सबसे बाहरी होती है, ये आउटर है, उस लेयर को कहा जाता था एक्टोडर्म लेयर। कौन सी लेयर? एक्टोडर्म। फिर जो बीच में थी, मिडल में, उसे कहा जाता था मीजोडर्म लेयर। कौन सी लेयर? मीजोडर्म लेयर। और जो सबसे अंदर थी ना, उसे कहा जाता था एंडोडर्म लेयर। कौन सी लेयर? एंडोडर्म लेयर। हिंदी में सेम नाम है। तो जब आपका, आपका मेरा सबका, ऐसे ही बने हम। जब हम माँ के वोम्ब में थे, माँ के गर्भाशय में थे, तो मैम ये यूपी पैट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आया था तब करके आ गए होंगे, है ना। तो बेटा आप में सबसे पहले तीन लेयर बनी, कौन कौन सी आप बताओगे? सबसे बाहरी, ये लिखूं क्या? आउटर है, लिख लोगे? ये आउटर है, गोला बनाया सबसे बाहर। ये कौन सी है? ये मिडल है, ये बीच वाली है, एंड ये कौन सी है? इनर है। तो बच्चों पहले ये लेयर बनी, फिर यही लेयर आगे चलकर ऑर्गन्स बनाई। तो बच्चों ऐसे ऑर्गन्स जो एक्टोडर्म लेयर से बने, उन्हें कहा गया था एक्टोडर्मल अंग। कैसे अंग? एक्टोडर्मल अंग। ऐसे ऑर्गन जिनका निर्माण एक्टोडर्म लेयर से हुआ, उनको एक्टोडर्मल ऑर्गन, एक्टोडर्मल अंग कहा गया। और जिनका बीच वाली लेयर से हुआ, जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से हुई, उन्हें कहा गया मीजोडर्मल ऑर्गन, मीजोडर्मल ऑर्गन। और जिनकी उत्पत्ति एंडोडर्म लेयर से हुई, उन्हें कहा गया एंडोडर्मल ऑर्गन, एंडोडर्मल ऑर्गन। अब साफ साफ लिखा हुआ है ब्लड इज ए मीजोडर्मल अंग। तो ये बताओ भाई साहब, ये बताओ भाई साहब कि ब्लड की उत्पत्ति कहां से हुई होगी? मीजोडर्म लेयर से हुई होगी। अब तो बीमारी नहीं लग रही है आपको अभिराज, अब तो बीमारी नहीं लग रही? ऐसे ऑर्गन जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से होती है, उन्हें मीजोडर्मल ऑर्गन कहा जाता है। आप तो ठीक है। और जिनकी एक्टोडर्म से हुई, उन्हें एक्टोडर्मल। तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम में आ जाए कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है। बच्चों एक्टोडर्म बनाती है आपकी आउटर लाइनिंग। आउटर लाइनिंग का मतलब है ये जो आपकी स्किन दिख रही है ना, ये किससे बनती है? आप क्या बताओगे बेटा? सबसे बाहरी लेयर से। और इस बाहरी लेयर का नाम होता है एक्टोडर्म। तो यहां से बनती है आपकी स्किन, आपकी त्वचा, और यहीं से बनता है क्या? आपके बॉडी की आउटर लेयर, सबसे बाहरी परत, बाहरी परत, आउटर लेयर यहां से बनती है। मीजोडर्मल ऑर्गन के एग्जाम्पल लिखो, एक्टोडर्म में बस यही आएगा, ठीक है। मीजोडर्मल में क्या क्या बनता है? मीजोडर्म लेयर से किस किस की उत्पत्ति होगी? एक तो भाई साहब हमने पढ़ लिया आज, खून की उत्पत्ति होगी, ब्लड यहीं से बनता है। दूसरा, आपके हार्ट को बनाने वाली मसल्स, जिनका नाम होता है कार्डियक मसल्स। क्या नाम होता है? हृदय की पेशियां। आपका हार्ट जो है ना, उसमें मांसपेशियां होती हैं, और उन मांसपेशियों को बनाने वाला कौन होता है? मीजोडर्मल ऑर्गन होता है। इसके अलावा ये जो गले में पाइप है, जिसे आप बोलते हो फूड पाइप, भोजन नली कहते हो जिसे, जिसे क्या कहते हो? भोजन नली का कहते हो। उसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां से और क्या क्या बनता है? यहां से बनता है बेटा आपकी स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग का मतलब है पेट की परत, पेट की परत, पेट की अंदर की तरफ की जो परत होती है ना, पेट के अंदर के तरफ की परत, अंदर की
परत यहीं से बनेगी। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बताऊं, इसके अलावा अगली मैं बताऊं, तो यहां से ही बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में कहा जाता है छोटी आंत, हिंदी में क्या कहा जाता है, छोटी आंत। और यहीं से बनती है आपकी एक और आंत जिसका नाम होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब पढ़ाऊंगी लेकिन टाइम आने पर, अभी नहीं, सही टाइम आने पर। तो ये सारे अभी आ गई होगी साउंड, कोई बात नहीं, मैंने बैटरी चेंज कर दी है, बैटरी चली गई थी बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साउंड इज ओके नाउ। चलो सुनो, तो अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं ना, ऐसे ऑर्गन्स जिनकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से हुई है, ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन, हृदय की मांसपेशियां, फूड पाइप भोजन नलिका, पेट के अंदर की परत स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, दे ऑल आर मीजोडर्मल ऑर्गन। हो गया भैया बीच वाली। अब आती है सबसे अंदर वाली लेयर, और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोडर्म। अब एंडोडर्म से बने हुए ऑर्गन एंडोडर्मल ऑर्गन कहलाएंगे। अब यहां से क्या क्या बनता है, अब तो ठीक है ना साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तो ठीक है, माइक भी ठीक है, ठीक है अभी साउंड, हाँ अभी ठीक है साउंड। मैम बफरिंग हो रही है, बेटा बफरिंग का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली पिछले 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है दिल्ली में, और दिल्ली में इंटरनेट सबके ठप चल रहे हैं, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पास एक्साइटल है, जियो लगवा रखा है और एयरटेल लगवा रखा है। अब मैं क्या करूं, आप कौन सा है, खुद की कंपनी बना के एक लॉन्च कर दूं तो बात चल जाएगी। तो बेटा इंटरनेट दिल्ली में बारिश, अभी भी बाहर बारिश हो रही है, मुझे आवाज आ रही है बाहर, तो कुछ नहीं कर सकते। एक काम है, आप लोग आओ और इस बारिश को भर के लेके चले जाओ, क्योंकि भैया बहुत हो गई, बस आज भी बारिश है, हर रोज बारिश हो रही है, इसे भर के ले जाओ इस बारिश को, हम परेशान हो गए हैं इससे। क्लास देने के समय पर इंटरनेट गायब हो जाता है, इंटरनेट वाले को फोन करो, कहते हम बारिश हो रही है, हम क्या करें मैडम, हम क्या करें, कहां से आए हम, तो वही बात है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अगर बफरिंग हो रही है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ की, मेरे आउट ऑफ बॉक्स चीजें हैं, मैं खुद की इंटरनेट कंपनी बना लेती हूँ, फिर देखते हैं, ऐसी बनाऊंगी जिसे बारिश में फर्क ही ना पड़े। चलो, एंडोडर्मल ऑर्गन क्या क्या है, लीवर, आपका जो यकृत है ना वो यहीं से बना हुआ है, ऐसे ही ग्लैंड्स होती हैं जैसे थायमस ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे थायमस ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, ये भी यहीं से बनती है। ऐसे ही एक और ग्लैंड है जिसका नाम है थायरॉइड ग्लैंड, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, हिंदी में बोला जाता है इसे अवटू ग्रंथि। ये सब कहां से बने हुए हैं, तो आप लिखोगे ये हमारे एंडोडर्म लेयर से। एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, जो ग्रंथि की तरह काम करता है, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, यहीं से बना है। आपके गुर्दे, गुर्दे बोले तो किडनी, यहीं से बने हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑर्गन क्या होंगे, ये सारे ऑर्गन्स होंगे। एक पूछ रहा है लंग्स, फेफड़े भी यहीं से बनते हैं बेटा, लंग्स जिसे आप फेफड़े बोलते हो, ये सब कहां से बनते हैं, ये सब एंडोडर्म लेयर से बनते हैं, ये सब एंडोडर्म लेयर से बनते हैं। तो अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि खून किस लेयर से बना है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का गलत होगा क्वेश्चन। ब्लड किससे बना है, मीजोडर्म से। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लीवर किससे बना है, एंडोडर्म से। थायरॉइड ग्लैंड किससे बनी है, एंडोडर्म से। स्किन किससे बना है, त्वचा किससे बनी है, एंडोडर्म से। अब बताओ किसी को कोई डाउट है, भाई बंधुओं यहां तक की क्लास में, हां जी अब बताओ कोई डाउट है, बता दोगे। स्किन कैसा है, एक्टोडर्म। इसीलिए जब कभी आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाओगे, जिसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो हमेशा पता है कैसे बोलता है, आपकी एक्टोडर्म लेयर बहुत खराब है। वहां पर आप सोचते हो एक्टोडर्म क्या है, आपको एम्बेरस लगता है, वहां पर एक्टोडर्म का मतलब है आपकी स्किन खराब हो गई है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, है ना,
तो ब्लड कैसा, ब्लड कैसा टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पॉइंट, ब्लड, ब्लड किस टाइप का ऑर्गन है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ब्लड की उत्पत्ति किससे हुई है, मीजोडर्म लेयर से, तो ब्लड कैसा ऑर्गन हो गया, मीजोडर्मल ऑर्गन हो गया। चले आगे, ठीक है सुमित जी, बहुत अच्छी बात है, चलो आगे चले। अब बात करते हैं मैम ब्लड कितना होना चाहिए। अगर आप एक अडल्ट मेल हैं, एक वयस्क नर हैं, लड़के हैं, तो लड़कों में ब्लड कितना होता है। मैम आपको मेरे घर के बच्चे भी जानते हैं, बहुत बढ़िया है अगर बच्चे जानते हैं तो। अगर बच्चों में अगर लड़का है तो उसमें होना चाहिए 5 से 6 लीटर ब्लड। और अगर आप एक अडल्ट फीमेल हैं, अगर एक महिला हैं, तो आपके अंदर खून होना चाहिए 4 से 5 लीटर। ठीक है, अब आप बोलते हो 0.5 से 1 लीटर। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में खून कम होता है, क्योंकि लड़कियों में आरबीसी कम होती है थोड़ी सी। इसका रीजन आगे मालूम चल जाएगा आपको। देखो लड़कियों में खून कम नहीं है, 4 से 5 लीटर खून है तो उस लड़की में खूब खून है, बाकी तो पी लेंगी, 0.5 से 1 लीटर तुम लोगों का पी लेंगी, है ना। देखो लड़कों के कंपैरिजन में कम होता है, ऐसे कम नहीं है, इतना तो हम पी लेते हैं ना तुम लोगों का खून, बोलते हैं ना खून पीते हैं ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अडल्ट मेन में 5 से 6 लीटर, अडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर। फीमेल में क्यों होता है, उसके 2 रीजन होते हैं, एक तो लड़कियों में आरबीसी कम होता है, और दूसरा बेटा हर महीने लड़कियों का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसमें खून ब्लीडिंग उनको होती है और उसके थ्रू खून बाहर निकल जाता है। हर महीने मासिक धर्म चक्र आता है हर एक लड़की को प्यूबर्टी एज खत्म होने के बाद, सॉरी प्यूबर्टी एज में जैसी आती है उसके बाद से लड़कियों का मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से। अब बात ये आती है बॉडी वेट का कितना परसेंट होना चाहिए। ब्लड की क्वांटिटी 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कुल शरीर के वजन का 7% क्या होना चाहिए, खून होना चाहिए। तो कुल वजन का 7% क्या होना चाहिए, आपका खून होना चाहिए, तब आप एक हेल्दी इंसान हैं। अब वो हेल्दी इंसान लड़के हैं तो ये हैं, लड़की हैं तो ये हैं, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। हाँ जी, मेरा इंटरनेट रेड सा होने लग गया है बच्चों, तुम्हारी क्लास रुकी है क्या, एक बार बताना, इंटरनेट थोड़ा सा लाल सा हो गया है, मुझे लग रहा है कि इंटरनेट में फिर प्रॉब्लम आ गई, ऐसी दिक्कत है इसकी। 1 घंटे चलता है, थोड़ी सी बारिश हुई बंद हो गया। मुंबई जैसा हाल हो रखा है हमारे दिल्ली का, क्लास बफरिंग कर गई ना, मुझे मालूम ही था। अभी कैसी चल रही है, रेड आ गया, मैंने वायर चेंज भी कर दिया, दूसरे वाला तो बिल्कुल ठप है, वो तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी ठीक चल रहा है,